टीकमगढ़ जिले में नगरीय निकाय के दूसरे चरण में मतगणना समाप्त हो चुकी है और 27 वार्डों के नतीजे सामने आ चुके हैं। इनमें से 14 वार्डों में कांग्रेस और 9 वार्डों में बीजेपी का कब्जा हुआ है, जिसके कारण बीजेपी के पास 10 सीटें हैं। वहीं निर्दलीय प्रत्याशी ने 3 वार्डों में जीत हासिल की है। टीकमगढ़ केंद्रीय मंत्री और सांसद डॉक्टर वीरेंद्र कुमार का क्षेत्र है। बीजेपी यहां पर लगातार 4 बार के चुनाव जीतती आ रही है। कांग्रेस 22 साल बाद नगर पालिका पर कब्जा जमा पाई है। टीकमगढ़ से सुबोध पाठक की रिपोर्ट। जैसे कांग्रेस प्रत्याशी थे, आप विजय हुए, बम्पर जीत हुई है कांग्रेस की टीकमगढ़ में, इसमें आपको क्या? जी, ये जो जीत हुई है, जो कांग्रेस आज जीती है, ये टीकमगढ़ की जनता जीती है। वो जनता जीती है जो कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार से परेशान थी, यहाँ के लोगों से परेशान थी। और हम बहुत ही, हमारे वार्डवासियों का, वार्ड नंबर 6 से मैं जीती हूँ। मैं अपने वार्डवासियों की बहुत बहुत आभारी हूँ। मैं उन्हें धन्यवाद करती हूँ आपके आशीर्वाद से। आज हमने बहुत अच्छी जीत की है और जितने मैंने आपसे बातें की हैं, जितने वादे किए हैं, वो उस पर सब हम पूरा काम करेंगे। और इस शहर की जनता ने भ्रष्टाचार मुक्त नगर पालिका के लिए वोट किया है। तो कांग्रेस के हम सभी प्रत्याशी आप लोगों को विश्वास दिलाते हैं, कांग्रेस की सत्ता में और कांग्रेस के शासन में आपको शिकायत नहीं मिलेगी, आपको कहीं पर भी भ्रष्टाचार का कोई काम नहीं मिलेगा, नामों निशान नहीं मिलेगा। हम लोग शुद्ध सेवा भाव से काम करके देंगे। पूछना चाहेंगे कि अब कांग्रेस विजय हुई है तो कांग्रेस का नगर पालिका अध्यक्ष बनेगा, जो पूर्व नगर पालिका अध्यक्ष थे उनकी कई भ्रष्टाचार किए हैं, उनका उजागर करेगी क्या कांग्रेस? बिल्कुल, वक्त आ चुका है, उसी के लिए हमें जनता ने चुना है। मतलब वक्त बदलाव का है? बिल्कुल, वक्त बदलाव का है और अभी चल रहा है। और भाई, जब बताएं आप वार्ड नंबर 21 वार्ड नंबर 21 से आप पार्षद बने हैं, तो क्या सबका सहयोग रहा है? वार्ड नंबर 21 से पार्टी ने मुझे आज्ञा की कि चुनाव लड़ना है, मैंने भी तय किया, पार्टी की आज्ञा को मानते हुए लड़ने गया हूँ चुनाव। जनता ने, कार्यकर्ताओं ने पूरे तन मन धन से सहयोग किया है मेरा, मैं ऋणी हूँ सबका, सबको धन्यवाद देता हूँ। और ये जो जिम्मेदारी मुझे मिली है, इसको पूरी ईमानदारी से, पूरी निष्ठा से, पार्टी के साथ, कार्यकर्ताओं के साथ, उधर की जनता के साथ मिलकर निभाऊंगा। अजय, देखने को आ रहा है कि यहाँ पर टीकमगढ़ में भाजपा को केवल 9 सीटें प्राप्त हुई हैं, बाकी 13 पे या 14 पे कांग्रेस रही, इसमें क्या कहना? नहीं, 10 आई हैं भाजपा की और 3 निर्दलीय हैं, 14 उनकी सीटें हैं। देखेंगे, ये सब पार्टी का विषय है, मैं पार्षद हूँ, अपनी जिम्मेदारी मेरी है, बाकी अध्यक्ष जी और हमारे सांसद जी, विधायक जी, ये सब लोग जानेंगे, जो विषय होगा वो देखेंगे। आपने जो वार्ड चेंज किया, तो कैसा आपका अनुभव रहा, इस बारे में थोड़ी जानकारी दें, और आपकी जो जीत हुई वो तो कितने मत से हुई? जी, ऐसा है कि जनता का शायद हम पे भरपूर स्नेह रहा है हमेशा। पहले मैं 22 वार्ड से पार्षद बना था 2004 में, तब भी मेरी लगभग पहली बार बना था 300 मतों से जीत हुई थी। दूसरी बार मैं वार्ड नंबर 18 से पार्षद रहा, मेरी पत्नी नहीं पार्षद, तब मेरी 650 से जीत हुई थी पिछली बार। अभी मैं, मेरी पत्नी वार्ड नंबर 20 से हैं, जो कि अभी भी 550 मतों से विजयी हुई हैं आज। इसलिए मैं जनता का ऋणी हूँ नगर की, कि जितना इसने एवं इतना आशीर्वाद हमें दिया है, उनके लिए हम कुछ भी करें कम है, लेकिन अपनी भी कोशिश रहेगी कि अपन वार्ड में प्रत्येक नागरिक को, अंतिम छोड़ के नागरिक को, जो उसे सरकारी योजनाओं का लाभ नहीं मिला है, अभी आवास नहीं मिला या कोई और परेशानी है, तो उसके लिए मैं उनके साथ हमेशा खड़ा हूं एवं हमेशा उनके लिए लड़ता रहूंगा। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।